अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, फूड एलिमेंट के साथ मैं हूँ फाइजा तंसीर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू चिकन का सालन विद मटर राइस। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आलू चिकन का सालन बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चिकन लेंगे हम 1 kg, आलू ले लेंगे हम 2 बड़े साइज के हमने आलू लिए हैं, उसको हमने 4 पीस में काट लिया है। किसी लाल मिर्च लेंगे 1 टेबल स्पून, नमक लेंगे हसबे जायका 1 टीस्पून, लेंगे हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे 1 टेबल स्पून, गरम मसाला लेंगे 1 टीस्पून, प्याज लेंगे 2 अदद, इसको हमने बारीक साइज में काट लिया है, टमाटर लेंगे 2 अदद। प्याज को हम पहले फ्राई कर लेंगे, फिर इसको टमाटर के साथ पीस लेंगे। हरा धनिया लेंगे गार्निश के लिए, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ले लेंगे। सबसे पहले देसी में 1 कप ऑयल डालेंगे। प्याज डाल देंगे, प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है। देखें प्याज ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। देखें प्याज और टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया। अब हम कढ़ाई में सबसे पहले लहसुन शामिल करेंगे और मसाले डाल देंगे। साथ ही इसमें चिकन शामिल कर देंगे। तैयार किया हुआ पेस्ट शामिल कर देंगे। अब हम चिकन को मसाले में अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखा हुआ है। देखिए चिकन को हमने अच्छे से भून लिया, और हम इसमें आलू शामिल करेंगे। दो से तीन मिनट आलू को इसके साथ भून के पानी डाल देंगे। देखिए आलू और चिकन को हमने अच्छे से भून लिया, अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 2 गिलास हमने इसमें पानी शामिल कर दिया। अब हम इसे हल्की आंच पे ढक के रख देंगे ताकि आलू अच्छे से गल जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, आलू अच्छे से गल चुके हैं। देखिए अब हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। हरी मिर्च डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, पाँच मिनट के लिए इसे ढककर हल्की आंच पर रख देंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, सालन हमारा रेडी है। फ्लेम ऑफ करेंगे। अब हम मटर राइस रेडी कर लेंगे। अब हम मटर राइस तैयार करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं ये राइस। चावल ले लिए हैं हमने 1/2 किलो, मटर ले लिए हैं हमने 1/2 कप, हरी मिर्चों का पेस्ट ले लिया है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, जीरा लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे हसबे जायका, 1 देसी में ऑयल डालेंगे,
तकरीबन 5 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल शामिल किया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक की अच्छे से खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें हरी मिर्च का पेस्ट और जीरा और नमक शामिल कर देंगे। एक मिनट हमने लहसुन अदरक को पका लिया। अब हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे, जीरा और नमक शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है इसे। अब हम इसमें मटर शामिल कर देंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है ये, आप इसे घर में जरूर ट्राई करें। मटर को हम 5 मिनट के लिए मसाले के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखें मटर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी आपने चावलों के हिसाब से डाल लेना। एक बॉईल आने देंगे। ये देखिए पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे। अब इसे ढककर चावल का पानी ड्राई कर लेंगे। तो देखिए चावल का पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। देखिए चावल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। तैयार हो चुका है आलू चिकन का सालन विद मटर राइस। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।